Hey everyone, welcome to my channel. This is your friend, your coach, Rubab. और अगर आपने अभी अभी जिम जाना शुरू किया है और आप बिगनर्स वाले मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हो, बिगनर्स वाले मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जिस पे फोकस करने से आप उस सारी मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वॉइस ओवर सेक्शन ऑफ द वीडियो। मुझे इंस्टाग्राम पे बिगनर्स के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं आस्किंग कि मैं जिम शुरू कैसे कर सकता हूँ, शुरू में मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में मैं 5 बुलेट पॉइंट्स बताऊँगा जिस पे बिगनर्स फोकस करके जल्दी रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है डू लेस। जी हाँ, अगर आप बिगनर हो तो आपको जिम में बहुत सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं। आप शुरू में 4 से 5 एक्सरसाइजेज ही करो, उतना ही काफ़ी है आपके लिए। क्योंकि आप अभी बिगनर हो तो आपको अभी एक्सरसाइज पैटर्न सीखना ज़रूरी है। तो आप जितना कम एक्सरसाइज करोगे उतनी जल्दी पैटर्न सीखोगे, है ना। और ये 4 से 5 एक्सरसाइज कौन कौन सी होंगी इसके बारे में मैं आपको सेकेंड पॉइंट में बताता हूँ। तो सेकेंड पॉइंट है डू कंपाउंड लिफ्ट्स फर्स्ट। तो कंपाउंड लिफ्ट्स क्या होती है? बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, पुलअप्स, रोज, ये सारी बड़ी एक्सरसाइजेज जो हैं वो कंपाउंड लिफ्ट्स हैं। कंपाउंड लिफ्ट्स का मतलब होता है वैसी एक्सरसाइजेज जिसमें आप एक साथ एक से ज़्यादा मसल को ट्रेन करते हो। और कंपाउंड लिफ्ट्स आपको अलाउ करती है कि आप ज़्यादा हैवी वेट पुश कर सको। और जितना ज़्यादा हैवी वेट आप पुश करोगे आपकी बॉडी उतनी जल्दी ग्रो करेगी। कंपाउंड लिफ्ट्स मैंने एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो राइट कॉर्नर में जाके वो वीडियो देख सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसी के साथ हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है? फोकस ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है? आसान भाषा में समझाऊँ तो आपको हर वीक किसी एक एक्सरसाइज में बेहतर करना है खुद को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो 40 kg से 10 reps, ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीक आपको कोशिश करना है कि आप सेम वेट से 11 रेप्स करो और उसके आने वाले अगले वीक में आप 12 रेप्स करो, है ना। और इस तरह आपको रेप्स बढ़ाने हैं। जब आपकी रेप्स 2 से 3 रेप्स बढ़ जाए तो आपको नेक्स्ट वीक में क्या करना है, आपको 20 kg 40 kg से अगर कर रहे हो आप, तो आपको नेक्स्ट वीक क्या करना है, वेट बढ़ा देना है और आपको फिर से पुराने वाले रेप्स स्कीम में चले जाना है, मतलब 10 रेप्स में आ जाना है, है ना। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप रेप्स बढ़ा सकते हो, आप वेट बढ़ा सकते हो, आप सेट्स बढ़ा सकते हो। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। थोड़ा ये एक इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो मैंने इस पर जो वीडियो बनाई है आप राइट कॉर्नर में जाके उसे भी देख सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है ईट मोर। जी हाँ, बहुत ही बेसिक सा है ईट मोर। सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन अगर आप स्किनी हो तो इस बात की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आप उतना नहीं खा रहे हो जितना कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है। अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको खाना भी पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एब्स के चक्कर में पागल रहोगे कि मुझे एब्स देखना है, सिर्फ एब्स देखना है, तो आप हमेशा स्किनी ही रहोगे। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो आपको अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, है ना। तो आपका सिंपल सा गोल होना चाहिए कि आप थोड़ा सा सरप्लस में खाओ। सरप्लस से मेरा मतलब है आप जितना भी खा रहे हो आपको उसमें से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पूरे दिन में आप 8 रोटियां खाते हो तो आपका गोल होना चाहिए सिर्फ एक वीक के लिए कि आप 10 रोटी खाओ। क्योंकि आसान नहीं होता, एक बार में मैं बोल दूँ कि आप 16-17 रोटियाँ खाओ तो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं। आप उसके बाद नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा सकते हो और नेक्स्ट वीक में कुछ और बढ़ा सकते हो खाने के लिए। अगर आप चाहो तो मैं डाइटिंग पर भी वीडियो बना दूंगा, फ्यूचर में वो वीडियो आएंगी। तो ये बेसिक्स है, अगर आप दुबले हो, दुबले पतले से हो तो आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा, जितना आप खा रहे हो उससे ज़्यादा खाना पड़ेगा। और अगर आप थोड़े से हेल्दी हो, एज इन मोटे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको सेम प्रिंसिपल फॉलो करना है लेकिन मैं समझाता हूँ कैसे। अगर आप मोटे हो तो इसकी गारंटी है कि आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हो, घर का खाना कम, या फिर घर का खाना ही बहुत ज़्यादा खाते हो, बहुत ही ज़्यादा खाते हो। तो
तो आपको करना क्या है, हेल्दी खाना और अनहेल्दी खाना में पहले आपको फ़र्क समझना है ना। जो ज़्यादा फ्राइड होता है या फिर जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन वो अमाउंट में बहुत कम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर में उबला हुआ आलू खा रहे हो है ना, और बाहर जाके आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, है तो दोनों आलू लेकिन आलू जो घर में आपने उबाला है उसमें सिर्फ आलू है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स अगर खाते हो तो। अगर आप बाहर फ्रेंच फ्राइज खाते हो तो उसमें फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है ना, तो इससे क्या होता है कैलोरीज बढ़ जाती हैं जिससे कि आपका वेट बढ़ता है। तो मोटे लोगों को क्या करना है, अच्छे खाने को बढ़ाना है और ख़राब खाने को कम करना है। अब हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, बी कंसिस्टेंट। जी हाँ, बी कंसिस्टेंट। अगर आप बिगनर हो तो आपको सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली जिम जाओ, है ना। ऐसा मत सोचो कि मैं 3 महीने में ये कर लूँगा, 2 महीने में इतनी बॉडी बना लूँगा। आप सबसे पहले तो कंसिस्टेंट हो जाओ, है ना, आपको रेगुलरली जिम जाना है पहले। ये जो मैंने 4 पॉइंट्स बताई हैं, ये चारों पॉइंट्स तभी यूज़फुल हैं जब आप इस चारों पॉइंट्स को रेगुलरली करो। तो ये रहे मेरी तरफ से कुछ बुलेट पॉइंट्स जिसको फॉलो करके अगर आप बिगनर हो तो जल्दी रिजल्ट्स पा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। अगर बहुत ही अच्छी लगी हो वीडियो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस चैनल टू ग्रो। अगर इस टॉपिक से हट के आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने नीचे अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया है। ऐसे ही अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, मैं कोशिश करूँगा कि वीक में कम से कम 2 वीडियोस अपलोड करूँ। अनटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।